नाज़रीन, मैं हूँ साजिद कमाल। व्यू पॉइंट की तरफ से मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू साइंस कॉलेज पर, जहाँ पर हुकूक कराची रैली एक बहुत बड़ी तादाद में शिरका मौजूद है, जहाँ पर ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है, ना कोई सियासी किसी का ताल्लुक है, सब के सब निकले हैं तो हुकूक कराची रैली के लिए निकले हैं। यहाँ पर बहुत सारे शिरका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस रैली में क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस रैली में जो यहाँ पर आए, आप क्या सोचकर आए कि ये हुकूक जो कराची हमेशा से महरूम रहे, तो आप ये समझते हैं कि हुकूक दिलवा देंगे? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, इसीलिए अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। इसलिए कि जो हाफिज़ नईम ने होप दिलाई है ना, जो हमारे बच्चे अब कोटा सिस्टम का शिकार है, नौकरी नहीं मिलती है, मुस्तकबिल कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम जवान आदमी है, कर लेगा, मर्द का बच्चा है। और जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं ना इसके साथ, इसकी टीम, अब मुझे तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, जगह जगह पर जो है सड़क तो अब नाम को नहीं है, हर जगह गड़े, पानी, सब कुछ मौजूद है। और मैंने आपको हमेशा से बहुत एक्टिव देखा हाफिज़ साहब के साथ, तो आप बताएं, आप अगर 27 तारीख को जैसे इलेक्शन है तो उसके लिए क्या तैयारी की आपने? हमारी तैयारी देखिए हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। असल चीज़ ये होती है कि आवाम का रिस्पांस क्या है। जब आवाम भी हमारे साथ है तो अब सिर्फ हमें हुकूमती लोगों को पकड़ना है कि उन्हें फरार नहीं होने देना, उन्हें कान से पकड़ के इलेक्शन करवाने, और इंशाल्लाह विन विन सिचुएशन है, आपका भाई जीतेगा। जी, आपने देखा अभी हमारे साथ एक शिरका मौजूद थे, और यहाँ पर सबके तकरीबन यही राय है और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि कराची जो भी आए, कराची को उसके हुकूक मिलने चाहिए।